गाइस रात के 8:30 बज गए हैं और मैंने देखा कि भाई डॉम स्टूडियो भाई साहब ने एपिसोड नंबर 28 डाला है, वो भी 13 डेज के बाद। यस, ये बीच में एक स्पेशल एपिसोड आया, ये मुझे पता नहीं था, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन यार डॉम स्टूडियो भाई साहब को कोई समझाओ यार, मतलब रात को इतना रात को एपिसोड डालते हैं कि अब मैं देखूं और फिर मैं रात को यार 9-10 बजे वीडियो थोड़ी ना डालूं यार, तब तक तो यहाँ पे सब सो जाते हैं। ये अमेरिका के टाइम के हिसाब से वीडियो डालते हैं, गलत बात है ना? ठीक है यार, कम से कम 13 डेज से ही सही, लेकिन देखेंगे। इनको भी लगता है ना वो द फूक बूम का वायरस लग गया, ये भी अब 13 डेज से 15 डेज से वीडियो डालने लग गए हैं भाई। चलो कोई बात नहीं, वैसे तो आज मैं भी काफी थक गया था। ये देखो हम लोगों ने आज दो वीडियो डाली थी, एक मोर ब्लॉग्स पे और एक यहाँ पे हम लोगों ने पॉपी प्ले टाइम भी खेला था। ये थंबनेल तुम लोगों को दिख रहा है? मैंने अपने मम्मी का फेस रिवील किया है, तुम लोग जाके देख सकते हो बाद में। अब मुझे पता है अब कमेंट भर जाएगा, एक दादी का फेस रिवील कब होगा? देखो ये दीदी बता सकती है, मुझे नहीं पता उसका कब मन है बताने का, लेकिन मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम लोगों को मेरे शॉर्ट्स बहुत पसंद आ रहे हैं। जो मैंने नया चैनल बनाया था आयुष मोर रिएक्ट्स पे, इस पे तुम लोगों को बहुत हंसी आ रही है। मेरा यही मोटिव रहता है कि तुम लोग भी हंसो मैं भी हंसू, इस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और लॉन्ग वीडियो भी हम लोग डाल रहे हैं, अभी लास्ट मैंने अमेजिंग डिजिटल सर्कस देखा था हिंदी में, और भी हम लोग यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखेंगे। तुम लोग सजेस्ट करना कि यहाँ पे हम लोग कौन सी दूसरी वीडियो देखें, लेकिन अभी पहले ये दोनों एपिसोड तो देखते हैं। लास्ट 27 नंबर एपिसोड में तो मेरे को याद है कि क्वीन आ गई थी, यस यस ये सीन्स मुझे याद है, देखो यहाँ पे थोड़े बहुत दिख रहे हैं। और लास्ट में ये मर गया था, एकदम एंड में यहाँ पे क्या हुआ था ये देखो, हाँ इसके मरने के बाद इसको देख रही थी और अच्छा, और हाँ अपने ही दोस्त ने मार दिया था, यस यस लेट्स जस्ट गेट दिस ओवर। ओके भाई देखो इस तरीके से भूल ही जाते हैं हम लोग। यप यप, इसने क्लॉक वुमन को बचाया था। आई रियली लाइक यू लीडर, यू आर वेरी गुड, यू आर चीफ। और पूरा क्लॉक बेस उड़ा दिया गया, और यहाँ पे यस यस टाइटन ड्रिलमैन निकलेगा अभी। ओ माई गॉड, 13 डेज पहले का भी मेरे को अच्छे से याद है, देख रहे हो तुम लोग यार। लेकिन टाइटन ड्रिलमैन से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, पूरा क्लॉक बेस उड़ा दिया यार, खाली ड्रिल वुमन के लिए, देख रहे हो मतलब लड़की के लिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखो ओ माय गॉड, ये क्वीन बड़ी खतरनाक है, माइंड मैनिपुलेट कर देती है। इतना सा देख के हमें पूरा समझ में आ गया, अभी स्पेशल एपिसोड देखेंगे। लाइक कर दिया है मैंने, सब्सक्राइब तो ऑलरेडी है, तुम लोग नहीं कर रखे हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो देखो नीचे दबाओ बटन। ये एपिसोड नंबर 21 का है, टर्न ऑन कैप्शंस, अच्छा लगता है इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा। ओके देखते हैं, ना, टाइम स्टॉप कर दिया गया है। Nice to finally see some homie. Okay. We have much to discuss. Wow, ये लोग सब बात कर रहे हैं अब, हाँ? अच्छा लगा मेरे को। I'm your large pal. Well, the future large pal for you. ये बोल रहा मैं बड़ा हूँ तुम लोग से। Because it's not the first time I'm doing this. Well, it might sound weird, but the leader of this skibidi toilet for now is not even a toilet. हाँ, ये बोल रहे कि जो skibidi toilet का leader है, वो toilet नहीं है, वो एक purple woman है। सही बात है, मेरा भी हैरान हो गया था ये देख के। And he actually managed to defeat the purple lady. Well, the problem is that she escapes after teleported with the device on her hand. हाँ. You know, before you, I asked Clockwoman to use her gun at the moment. Before Clockwoman, I asked the buff guy to destroy that purple device so she couldn't escape. And before the buff guy, when it happened for the first time, I used my last strength and sacrificed myself. ये देखो एपिसोड नंबर 21 में इसने क्लॉक वुमन को वो गन दिया था और इसने अपने आप को सैक्रिफाइस किया। ये टॉकिंग टॉयलेट मैंने आज तक नहीं देखा, हंस रहा है। But I'm afraid as long as I'm stuck in this loop, I might reach to my limits eventually. But I believe you can change everything. Before Chief starts using his powers, उसके पहले तुम चीफ को मार देना।
having enough time to fully revive our Titan. है? ये इसका प्लान था, लेकिन ये बोल रहा है कि counter, Titan. That thing, ये इसलिए बोल रहा है I've seen it. ताकि उस पर्पल वुमन को यकीन हो जाए कि हम लोग टूट चुके हैं, मतलब क्लॉक की टीम, इसलिए ये अपने ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर को सैक्रिफाइस करना चाहता है. ये मना कर रहा है कि मैं नहीं करूंगा. I could ask others for this, but there's no surprising chief when he already knows what's going to happen 10 seconds later. However, you have the ability to block other clocks with powers. अच्छा, इसी को इसलिए इसने चुना क्योंकि ये पावर, इसके पास एक ऐसी पावर है. ओके ओके ओके, ओह माय गॉड, इसके पास एक ऐसी पावर है जिससे वो जो अपना चीफ लीडर है वो 10 सेकंड आगे देख सकता है फ्यूचर में, लेकिन इसके पास ऐसी पावर है जिससे वो लीडर को भी रोक सकता है देखने से. इसलिए इस वाले क्लॉक मैन ने, मेरे को इसका नाम नहीं पता, मैं इसको लार्ज क्लॉक मैन बोल रहा हूँ, इसने इसको बोला कि तू मार अपने चीफ को. ओह माय गॉड, और इसको टॉर्चर करा कि तेरे को करना ही पड़ेगा, लेकिन ये बोल रहे हैं कि क्लॉक्स के लिए करना ही जरूरी है. भाई ये सच में सही कर, ये सही था क्या करना, मेरे को तो नहीं लगता. और यहाँ पर इसने मारा, ओ माय गॉड, मेरा दिमाग घूम गया है. भाई मैंने सोचा था स्पेशल एपिसोड क्या देखना, क्या जरूरी है, लेकिन ये तो बहुत जरूरी एपिसोड था. इसका प्लान था इस बंदे का, इसका नाम बताना मेरे को. अच्छा ठीक है, और अभी यहाँ पर क्या हुआ है भाई, ये तो कुछ नए लोग लग रहे हैं मेरे को एपिसोड 28 में, 5 मिनट का एपिसोड. चलो भाई खोल लिया है, लाइक कर दिया है भाई, बहुत मजा आ रहा है. इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है, लेट्स गो. देखते हैं ये रहा हीरो ब्रायन, अभी वो टाइटन ड्रिल में निकला था, मतलब 27 में तो लास्ट में वही हुआ था. और यहाँ पर हम लोग को, ये लोग सिटी में पहुँच गए हैं. ओ माय गॉड, इसमें जो ट्रक व्रक सिटी सब है, और भाई टीवी वुमन ट्रक चला रही है, क्या बात है. इसके एक्सप्रेशंस, टीवी वुमन के एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, और पूरा ब्लर हो गया है. ये ए भगवान, ये कैसे स्किपीडी है टाइम. ओ वाओ, देखो मैंने बोला टीवी वुमन के अच्छे एक्सप्रेशन से, लेकिन तुम्हारे ज़्यादा अच्छे हैं. और ये दूसरा वाला क्लॉक, वो हाथ जोड़ दिया. ओके, ये पावर देखो ना यार, बड़ी सॉलिड है क्लॉक मैंस की, टाइम रिवर्स करके हाथ जोड़ देता. ओ माय गॉड. स्पीकर वुमन, क्लॉक वुमन, टीवी वुमन, वेयर इज कैमरा वुमन. ये क्या स्किबिडी बेस, एक सेकेंड मैंने ध्यान नहीं दिया क्या लिखा हुआ था, स्किबिडी बेस जीरो. ओके, ये बेस जीरो है जिसके अंदर घुस रहे हम लोग. अच्छा, हैकर वाले बेस में आ गए हैं. और यहाँ पर भाई ये मास्क बड़ा सॉलिड है, मेरे पास भी है. और ये ओचा, जी मैन का एपोकलिप्स पड़ रहा है. और पीछे है, ओहो असैसिन आ गया है भाई, क्या बात है, असैसिन ड्रिल मैन. और इसने तो सब कुछ देखा है कि कैसे ड्रिल मैन को, टाइटन ड्रिल मैन को उसने मैनिपुलेट किया उस पर्पल वुमन ने. वाव यार, इसका लुक देखो यार, बड़ा सॉलिड लग रहा है यार ये, क्या बात है. हर जगह इसने कुछ ना कुछ डाल रखे है भाई, ये ट्रू असैसिन है. यहाँ पर इतना भाई 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 भाई, क्या बात है, तो सबको मारेगा ये. और ये रहा एग्जिट, चलो चले. ये इसको इन्फॉर्मेशन देगा. अच्छा, ये बोला टेलीपोर्ट कर लेते हैं, टीवी का उसमें पावर है ना टेलीपोर्ट करने. अच्छा वैसे नहीं, इसको दे दिया, बोला तू रख तेरे काम आएगा. और यहाँ बाहर में कौन रेडी हो गया भाई गनमन लेके. अच्छा ये रही कैमरा वुमन. ओ अच्छा, ये पेंसिल मैन है, क्या बात है.
पेंसिल मैन की एंट्री हुई है भाई। ओके ये इंक पेन, ओ माय गॉड, वाओ, ओ माय गॉड, हवा में ड्रॉ करके सामान बना देते हैं ये लोग। ओ ये क्या हो रहा है, ओ तेरी इरेजर ठोक दिया गया, वो गजब बना है, हाँ छोटी सी पेंसिल, हाँ मेरी इतनी रहती है मोस्टली घस घस के छोटी कर देते हैं इसको। ये क्या है, और यहाँ पर टीवी मैन नहीं, ओ ये लोग टेलीपोर्ट करके बोला हाय मैं नया मेंबर हूँ तुम लोग का, ले यो रबड़ भी दिखाओ भाई, अब तो रबड़ मैन को भी देखना है। और इसकी बड़ी बेस उड़ा दिया है, और ओए अभी ये क्या है, ये क्या है, ब्रेन, स्कीबड़ी ब्रेन, ये स्पीकर भी लगा रखे हैं इसने, बहुत ही गंदा दिख रहा है यार। अच्छी उसने ओए ये कौन है, होप वी हैव मेड इट इन टाइम, हैं थैंक यू, कौन है, इट वाज प्रेडिक्टेड G-Man Apocalypse is in their main heads corner. Okay. One last base. Skibidi Toilet, base number one. Base number one, पता चल गया है। वो ये क्या बोला? We believe that is where your female agent must be imprisoned. Okay, Drill Woman वहाँ पे है। Skibidi base one में। Our main goal, G-Man Apocalypse project. Cannot be allowed to succeed. ये बोल रहा है कि हमें G-Man Apocalypse को रोकना पड़ेगा, Apocalypse को रोकना पड़ेगा। हमारा मिशन ड्रिल वुमन को बचाना नहीं, G-Man के Apocalypse को रोकना है। Your decision. Be safe and if anything happened, we hope this can help. Okay, अगर कुछ हुआ तो ये तुम्हारी मदद करेगा। एक पेन, हाँ भाई तलवार से बड़ी पेन होती है, वो एक कहावत है ना। ओ माय गॉड, रुको, पहली बात ये बंदा है कौन, ये पेंसिल तो कहीं से भी नहीं है, इलेक्ट्रिक पेन है क्या ये, वाओ भाई डिस्क्रिप्शन में इन्होंने क्या लिखा है, एंड ऑफ हॉरर टॉयलेट्स, पेंसिल मैन, क्लॉक मैन, कैमरा मैन, स्पीकर मैन, टीवी मैन, स्किबिडी डूब 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 डूब। मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये एपिसोड बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था यार, मजा आ गया। और जो मैंने रोब्लॉक्स के अंदर पॉपी प्ले टाइम खेला ऑफिशियल वाला, वो तुम लोग को स्क्रीन पे दिख रही है, उसे जाके तुम लोग अभी के अभी देखो, और भी बहुत हॉरर गेम्स है तुम लोग वो भी एंजॉय कर सकते। तब तक हमारी न्यू वीडियो आ जाएगी, कल भी एक बहुत जबरदस्त वीडियो आएगी, तो चलो हम लोग मिलते हैं अन वीडियोस में, टिल देन देखते हैं स्टोरी क्या होगी, बाय बाय।